बेगूसराय में प्रेम प्रसंग में मिली हत्या की धमकी से घबराए परिजन, जान माल की रक्षा के लिए दर दर की ठोकरें खाने को विवश नजर आ रहे हैं। पूरा मामला जिले के सहायक थाना लोहिया नगर क्षेत्र के वार्ड संख्या 28 लोहिया नगर की है। आपको बताते चले कि धमकी मिलने के बाद प्रीत परिजनों द्वारा अपने परिवार की रक्षा के लिए भूख हड़ताल पर भी बैठा था, जो पुलिस प्रशासन के लिए नासूर बन गया और सदर एसडीएम संजीव चौधरी द्वारा काफी समझाने बुझाने एवं न्याय का भरोसा देने पर अनशनकारियों ने अपना धरना समाप्त किया था। प्रीत ने सोमवार को डीआईजी पुलिस अधीक्षक सहित थाने में आवेदन देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने सहित प्रीत परिवार जान माल की रक्षा के लिए अधिकारियों से गुहार लगाई है। इस दौरान प्रीता, टीना कुमारी एवं सरोज सहनी ने बताया कि आरोपियों द्वारा लगातार केस उठाने की धमकी दी जा रही है। सरोज ने बताया कि अधिकारियों द्वारा किसी प्रकार की मदद नहीं मिल रही है। बीएनपी न्यूज के लिए अवधेश कुमार की रिपोर्ट। पिछले साल वाला अभी राखी बंधाए गए, बेटे के खोल के दे दीजिए इसका मोती। हम धंधा बहुत बंद हो गया, एलईडी मोबाइल तो मजबूरी है। गोलीबारी किया गया था, उसके बाद केस 368 लोहिया नगर थाना में दर्ज किया गया। उसमें कंप्रोमाइज़ के लिए बार बार सर धमकी और हत्या का धमकी दे रहे हैं। कई बार ऑडियो वीडियो सर हम एसपी साहब, डीएसपी साहब, थाना प्रभारी को भी दिए हैं और इसके लिए हम लोग अनशन भी किए थे सर। एसडीएम साहब के अवसर में हम लोग अनशन तोड़ दिए थे, उसके बाद भी कोई मदद नहीं मिल रहा है। कल सर बजाबते सर कुछ क्रिमिनल लोग कंप्रोमाइज़ के नाम बुलाया गया और बजाबते जान मारने का धमकी दिया गया कि कंप्रोमाइज़ करो। उतना ही नहीं, विशुंदे बाबू स्पष्ट बोलते हैं फ़ोन पर सर कि मेरा बड़ा बेटा पुत्र सिपाही पद पर है, जो राज्यपाल को यहाँ नियुक्त है। राज्यपाल और आईएएस ऑफिसर द्वारा फोन हो चुका है, 368 केस में किसी प्रकार का कुछ होने वाला नहीं है। हम नेता हैं, हमारे पास आईएएस ऑफिसर और क्रिमिनल दोनों हैं। जब जिसका होगा हम उपयोग करेंगे और कभी भी आपका हत्या हम करवा सकते हैं। उसका हमारे पास ऑडियो टेप भी है सर, मान लीजिए, और बार बार धमकी दे रहा है, कभी भी हमारा हत्या हो सकता है सर। हम बार बार आवेदन दे रहे हैं और किसी प्रकार का कोई कार्रवाई अभियुक्त लोग अभी तक नहीं किया गया है सर। एसडीएम साहब बेगूसराय आश्वासन दिए जल्द ही अभियुक्त लोग कार्रवाई किया जाएगा सर, और 19 अगस्त को लगभग रात्रि 9 बजे अनशन करवाया गया था। लगभग हम लोग 4 दिन से अनशन पर रहे सर, पूरे परिवार, और कहा गया अभियुक्त जल्द ही गिरफ्तारी किया जाएगा सर। लेकिन परंतु अभी सर विशुनदेव धीरज के पिता हैं अभियुक्त के, वो बजाबते सर बोल रहे हैं कि